हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल फ्लोर के फ्रैक्चर के बारे में। तो बेसिकली ऑर्बिटल फ्लोर क्या होता है, ठीक है? ऑर्बिट जिसमें आपकी आँख होती है वो बोन, तो उसके अगर फ्लोर में कोई फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, कोई भी फ्रैक्चर हो जाए और उसके कारण से जो मैनिफेस्टेशंस आए, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, राइट। तो ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर जो बेसिक ओवरव्यू है मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। ऑर्बिटल फ्लोर के फ्रैक्चर में अगर आपका एक्सरे पे एक टीयर ड्रॉप साइन, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक टीयर ड्रॉप साइन मिलेगा नीचे, या जो आपका चीक पे है वो हाइपो एनेस्थीसिया हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व इन्वॉल्व करती है जो कि चीक को सप्लाई करती है सेंसरी सप्लाई। तीसरी चीज़, आपका जो है इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर इन्फीरियर ऑब्लिक जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो आग को अप गेज और डाउन गेज में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ों से बेसिक आइडिया जो हमको लगता है ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर के बारे में, उससे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। तो ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर आर कॉमन एंड रिजल्ट फ्रॉम ब्लंट ऑर्बिटल ट्रामा। तो ये जो होते हैं ये कॉमन होते हैं और कैसे रिजल्ट करते हैं, ब्लंट ऑर्बिटल ट्रामा से, इन विच फोर्स इज डिलीवर्ड टू द थिन बोन्स ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर, ठीक है। ब्लंट ऑर्बिटल ट्रॉमा से क्या हुआ, फोर्स जो होता है डिलीवर होता है किसको, थिन बोन्स ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर को, ठीक है ना। जो फोर्स है हम लोग को डिलीवर किया, हमने थिन बोन्स ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर को हमने डिलीवर कर दिया, टिपिकली अलोंग द इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल। और ये टिपिकली कहाँ पे होता है, अलोंग द इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल। तो क्या होता है कि ये जो है फोर्स डिलीवर करता है कहाँ पे, थिन बोन्स ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर को, टिपिकली अलोंग इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल पे, ठीक है ना। तो इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल पे इसने जो है इन्वॉल्व किया, ठीक। तो रिस्क क्या है इन ऑप्थल्मोस का, इज ग्रेटर व्हेन बोथ द फ्लोर एंड द मीडियल वॉल आर फ्रैक्चर्ड। इन ऑप्थल्मोस का जो है रिस्क जो है ग्रेटेस्ट हो जाता है व्हेन बोथ फ्लोर एंड मीडियल वॉल आर फ्रैक्चर्ड, ठीक है ना। तो मीडियल वॉल जो होती है सबसे ज़्यादा मतलब थिन होती है, बट इंफीरियर वॉल इसकी ज़्यादातर फ्रैक्चर होती है, ठीक है ना। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ब्लो आउट फ्रैक्चर अकर व्हेन अ ब्लंट ऑब्जेक्ट ग्रेटर इन डायमीटर देन द ऑर्बिटल रिम सच एज फिस्ट, ठीक है। मुक्का मारा, टेनिस की बॉल या क्रिकेट बॉल स्ट्राइक कर गई तो ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा के कारण से होता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ब्लंट ट्रॉमा के कारण से होगा। अगर उसका जो ब्लंट ट्रॉमा का जो साइज है, ठीक है ना, जो उसका डायमीटर है वो ग्रेटर है ऑर्बिटल रिम से, तो ये चीज होने लगेगी। द मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म है, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोलिक थ्योरी एक होता है, एक बकलिंग थ्योरी होता है, ठीक ना। हाइड्रोलिक थ्योरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से समझेंगे हम लोग, कि सडन कंप्रेशन एंड बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से मारा मैंने, मतलब कि मान लो कि ऐसे ऐसे मारा, जैसे मान लो ये उंगली मेरी टेनिस बॉल है और ये आँख है, ठीक है, ये जो खाली एरिया है ये आँख है, मैंने ऐसे मारा, समझे, मतलब सडन कंप्रेशन फिर तुरंत उठा लिया, एंड बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सडन कंप्रेशन से क्या हुआ, यहाँ पे सडन कंप्रेस किया मैंने, आईओपी बढ़ जाएगा आपका, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि बकलिंग थ्योरी में क्या है, एक्सटीरियर एक्सटर्नल फोर्स इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम पे, तो रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो इसको याद कर लो, ठीक है, रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है बीआर से करके, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो कि एक्सटर्नल फोर्स आएगा इन्फीरियर अगर ऑर्बिटल रिम पे मारेंगे एक्सटीरियर फोर्स, तो क्या होगा, वो रिपल क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो दो ही थ्योरी हैं, एक में रिपल होगा और एक में आईओपी बढ़ेगा, तो आईओपी वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया गया कि हाइड्रोस्टैटिक थ्योरी से होगा और बकलिंग में रिपल इफेक्ट आएगा इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम पे, ठीक है ना। अब मान लो कि टाइप्स इसके क्या क्या हैं, प्योर ब्लो आउट फ्रैक्चर हो सकता है और इम्प्योर ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, प्योर इम्प्योर भी इसमें होता है, कि फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर विद इंटैक्ट ऑर्बिटल रिम, ठीक है। ऑर्बिटल रिम तो अभी भी इंटैक्ट है, राइट, अपनी जो ऑर्बिटल रिम है वो इंटैक्ट है, लेकिन जो है फ्रैक्चर ऑफ फ्लोर ऑर्बिटल हो चुका है, लेकिन इम्प्योर में क्या होता है, एसोसिएटेड फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल रिम, दोनों ही आ जाएंगे, एक तो फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर का भी आ जाएगा, ऑर्बिटल रिम का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हिस्ट्री लेंगे भाई, ठीक है, पूछेंगे हिस्ट्री क्या है, जनरल कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स हम लोग देखेंगे क्या है, जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, अदर नॉन ऑक्यूलर इंजरी हम लोग चेक करेंगे कि अदर कोई और तो नॉन ऑक्यूलर इंजरी तो नहीं है इस बंदे को, आईलिड साइन देखेंगे कि आईलिड में कोई दिक्कत तो नहीं है, इकाइमोसिस है कि नहीं है, इकाइमोसिस एंड एडिमा ऑफ द आईलिड्स मे बी प्रेजेंट बट अदर एक्सटर्नल, ठीक है, इकाइमोसिस, ठीक है ना, ये काइमोसिस हम लोग देख सकते हैं, काइमोसिस एडिमा ऑफ द आईलेट्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हिस्ट्री जनरल कंडीशन लेंगे, अदर नॉन ऑक्यूलर इंजरी शुड बी चेक्ड, आईलेट साइंस देखेंगे, काइमोसिस ऑफ द आईलेट्स मे बी प्रेजेंट, और एनिस्थीशिया ऑफ द चीक, जो कि दूर दूर में बताया था कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व का एनिस्थीशिया हो जाएगा, तो लिड का एक काइमोसिस और एडिमा एक आपने नई चीज़ सीखी।
डायग्नोसिस क्या करेंगे कि टीयर ड्रॉप साइन, मैंने बताया ही था आपको स्टार्टिंग में कि टीयर ड्रॉप साइन कैन बी सीन इन द ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, राइट। और बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया होगा ड्यू टू, क्योंकि वो यार लैटरल रेक्टस का इन्वॉल्वमेंट कर जाएगा, लैटरल ऑर्बिटल रिम गई, ठीक है, लैटरल वॉल गई आपकी, लैटरल या मीडियल वॉल गई, ठीक है ना। तो सीटी पे क्या देखोगे, ट्रैपडोर फ्रैक्चर विद रेक्टस मसल, ठीक है। सीटी पे क्या देखिएगा, ट्रैपडोर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, डोर को ट्रैप कर लिया, जो ट्रैपडोर फ्रैक्चर ऑफ द रेक्टस मसल, ठीक है, ट्रैपडोर फ्रैक्चर विद रेक्टस मसल आएगा, ठीक। मैनेजमेंट क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट और डिप्लोपिया, भाई ऑक्यूलर मूवमेंट और नहीं कराओगे नहीं तो आँख और डैमेज होगी, क्योंकि अभी तो वो फ्रैक्चर है ही, तो जितना मूवमेंट कराओगे उतना और वो आँख को डैमेज करेगा, तो उसको पहले तो रिस्ट्रिक्शन कराओ। फिर मेडिकल मैनेजमेंट दो कि नेजल डी कंजेस्टन कराओ कि रिबाउंड कंजेशन ना हो, आइस पैक्स दो आँख पे ताकि वो ज़्यादा इन्फ्लेम ना करे, ठीक है। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी वही काम है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सब सीरियरी अप्रोच, ट्रांस कंजक्टाइवल अप्रोच और इंडोस्कोपिक अप्रोच कर सकते हो। इंडोस्कोपिक अप्रोच भी कर सकते हो कि इससे ऑपरेट कर सकते हो, और आपका सब सीरियरी अप्रोच भी अपना सकते हो ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर के लिए, और ट्रांस कंजक्टाइवल अप्रोच तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात रही कुछ आपके ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।